जहां एक ओर अवध में राम भक्ति की गूंज का कारण तुलसीदास जी बने थे, वहीं दूसरी ओर कृष्ण भक्ति में डूबी वो भक्त थी जिनका अपने प्रभु से अलौकिक संबंध था। कैसा अलौकिक नाता गजानन? प्रेम का अलौकिक नाता, जहां प्रेम शब्द की चर्चा तक ना हो किंतु अथाह प्रेम हो। जब भाव एक है भक्ति का, तो उस पर आधारित नाता अलग अलग कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे हनुमान जी तुलसीदास जी के निस्वार्थ सेवा भाव से अभिभूत थे, इसलिए प्रभु के साथ उनका नाता सेवक के समान था। वहीं पांडव श्रेष्ठ अर्जुन और भक्त माधव दास के हृदय में प्रभु के प्रति सदा मित्रता का भाव था और नाता सखा का। अतः भक्त के मन में जो भाव होता है, प्रभु के साथ उसका वैसा ही नाता बनता है। तभी तो कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसे ठीक से समझने के लिए मैं अब एक ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगा जिन्होंने अपने प्रभु को अपना प्राण बल्लभ बना लिया, जो अपने प्रभु से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करने लगी कि उन्हें अपना नाथ, अपना स्वामी, पति परमेश्वर मानने लगी। ऐसा अनुपम प्रेम, कौन थी ये अद्भुत भक्त? गोवर्धन धारी, गिरधर गोपाल की परम भक्त, महान संत कवित्री मीराबाई। वो मीराबाई जिनके भक्ति गीतों और पदों की पुष्पमाला ने प्रभु प्रेम की एक नई सुगंध का संचार किया। लौकिक प्रेम का अंत तो जीवन के अंत के साथ ही हो जाता है, किंतु अलौकिक प्रेम तो अमर है, जन्म जन्मांतर तक रहता है। परंतु बंधनों, परंपराओं और मर्यादाओं में बंधा समाज उसे कहाँ देख सकता है। समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए वो केवल लौकिक प्रेम ही समझता है। संत मीराबाई का प्रभु प्रेम भी इसी प्रकार आरंभ हुआ, किंतु वो समय के साथ अलौकिक प्रेम में बदल गया और जन्म जन्मांतर का बंधन बन गया। जन्म जन्मांतर तक कैसे प्रभु? भक्त मीराबाई और उनके प्रभु के प्रति प्राण बल्लभ प्रेम का आरंभ उनके पिछले जन्म से ही आरंभ हो चुका था, जिसमें उन्होंने गोकुल के एक गांव में द्वापर युग में जन्म लिया और तब उनका नाम था माधवी। माधवी, माधवी, शीघ्रता करो, बारात आने ही वाली है। अरे सोच क्या रही हो, सुना नहीं क्या, बारात आ भी चुकी है। बारात आ गई है तो क्या हुआ, दुल्हन भी तो तैयार है। ये देखो, दुल्हन तैयार है तो क्या हुआ, हमारे दूल्हे राजा भी सज धज कर आए हैं। क्या ऐसे निहारती रहोगी या फिर झुककर हमारे वर पक्ष वालों का सत्कार भी करोगी? ओ अच्छा, दुल्हन भी हम ही दें और झुके भी हम ही। सुनिए ध्यान से, यदि आपके दूल्हे राजा को दुल्हन चाहिए तो उसे विनम्र रहना होगा। हम आप सबका स्वागत करेंगे, आपके बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्रेम देंगे, किंतु झुकेंगे नहीं, क्योंकि मनुष्य भला मनुष्य के सामने थोड़ी झुकता है, वो तो केवल प्रभु के सामने झुकता है। चलो चलो अभी करना। चलो, अब वरमाला का समय हो गया है। बेटी तो पराया धन होती है, यह अमानत है दूसरे कुल की। समय का क्या, वो तो पलक झपकते ही बीत जाता है और अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर करना पड़ता है। अब फेरे विवाह संपन्न हुआ। लो अब विदाई का समय भी आ गया,
अब दुल्हन को हमारे साथ विदा करना होगा। नहीं नहीं, मैं मेरी गुड़िया को विदा नहीं करूंगी। वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी, है ना माँ? मैं कैसे विदा कर दूं इसे, आप ही बताइए ना माँ। मैं अपनी गुड़िया रानी को कैसे विदा करूं? मैं जानती हूँ पुत्री, एक माँ का हृदय सदैव अपनी पुत्री में ही लगा रहता है, किंतु समय आने पर उसे विदा कर दूसरे घर भेजने का कर्तव्य भी तो पूरा करना होता है। इसे प्रेरणा दो पुत्री, समझाओ इसे, इसे विनय, धैर्य और साहस, इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाना है, क्योंकि जहाँ पुत्र को बस एक कुल के प्रति अपना कर्तव्य निभाना होता है, वही पुत्री को तो मायके और ससुराल दोनों कुलों के प्रति अपना दायित्व पूर्ण करना होता है। एक और जहाँ स्त्री त्याग करके अपने माता पिता का घर छोड़ ससुराल जाती है, वही उसके पति का परिवार भी तो उसे अपनाता है, और वो उस परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनती है। अपने धैर्य से, अपनी शक्ति से उस घर की मर्यादाओं का मान रखती है, बड़ों छोटों और सभी के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है, परिवार के सुनहरे भविष्य का आधार बनती है। इसीलिए जीवन के इस चरण में दाम्पत्य जीवन का कर्तव्य ही सर्वोपरि है इसके लिए, और जिसमें सबसे विशेष है पति पत्नी के बीच का प्रेम, जिस पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए और किसी तीसरे की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। किंतु माँ, आप ये सब मुझे क्यों समझा रही हैं? ये तो तेरी गुड़िया रानी को समझाना है ना, विदाई तो इसकी हो रही है। आज तुम्हारी गुड़िया की विदाई है, पर अगले सप्ताह मेरी गुड़िया की भी तो विदाई है। इसीलिए जो भी तुम्हारी गुड़िया को समझाना आवश्यक है, वो तुम्हें भी तो समझाना है ना। माधवी की माता ने ये समझाकर एक प्रकार से माधवी को आने वाले कल के लिए तैयार कर ही दिया। किंतु उन्होंने तक कहा अगले सप्ताह, तो क्या माधवी की विदाई भी? हाँ पुष्पदंत जी, माधवी का विवाह तो बाल्यावस्था में ही करवा दिया गया था, गोपाल धाम गोकुल के निवासी सुंदर के साथ। पता है मित्र, कान्हा कभी मेरी बात नहीं टालता, वो तो मेरा परम मित्र है। मैं ही नहीं चाहता था कि वो इतनी दूर तक चले, क्योंकि कन्हैया को चलकर आने में कष्ट होता। वो नन्हा कान्हा, वो तुम्हारा मित्र है? उसकी आयु के बारे में कुछ मत कहो मित्र, वो कितना अद्भुत है, क्या तुम्हें उसका अनुमान नहीं? जब हम खेलने जाते हैं तब तुम देखते हो ना कैसे सभी को छका देता है। सुंदर, दुल्हन का गौना करके उसे साथ ले जाने आए हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, फिर भी बातें बच्चों के खेल की ही कर रहे हो। ये खेल का नहीं, अपने नए दायित्वों को समझने का समय है। स्वागत है जमाई जी। श्रीमान जी, आपका आदर सत्कार हम विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं, किंतु लग रहा है तूफान आने वाला है, लौटने में कोई कठिनाई ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप दुल्हन की विदाई शीघ्र करवा दीजिए। उचित है, विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी है और माधवी भी तैयार है, मैं उसे लेकर आती हूँ। क्या कर रहे हो सुंदर, ऊपर कहाँ देख रहे हो? भाभी सामने, वो देखो।
देखो देखो उनकी आंखों में आंसू भी है, तुम्हारे साथ रहेंगी यही सोचकर लगता है वो दुखी हैं। चुप करो, जब कोई अपने माता पिता का घर छोड़कर जाता है ना तो उसे दुख तो होता ही है। आपके हृदय को भी मेरी विदाई पर ऐसी ही पीड़ा होगी ना? उतना नहीं, उससे कई गुना अधिक। सही कहा था आपने माँ, जितना प्रेम बिछड़ने में उतनी ही पीड़ा होती है। आज मैं खुश भी हूँ और दुखी भी, खुश इसलिए कि मेरी पुत्री अपना संसार बसाने जा रही है और दुखी इसलिए कि मेरे हृदय का टुकड़ा मुझसे बिछड़ रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपने तो मुझे सब कुछ पहले से ही समझा दिया है ना। ससुराल की मान मर्यादा, उसकी परंपरा, छोटे बड़ों के प्रति प्रेम और आदर, मैं अपने सारे कर्तव्य भली भांति निभाऊंगी माँ। दोनों कुलों की गरिमा बनाकर रखूंगी और हम दोनों पति पत्नी के प्रेम के बीच किसी अन्य की छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। मुझे बस एक ही बात की चिंता हो रही है, तुम्हारा ससुराल कान्हा के गोकुल में है, जिसकी मनमोहक लीलाओं से कोई भी अछूता नहीं रह पाया है। मैंने तो यहां तक सुना है उनकी लीला सुन भर लेने से लोग मोहित हो जाते हैं। गोकुल की सारी गोपियां उसके प्रेम में मगन हैं। मुझे इसी बात का डर है, कहीं वो तुम्हें भी रिझा ना ले। सुंदर, लगता है भाभी का बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। देखो ना, आंखें कितनी भीगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि उनका रोना कभी बंद होगा ही नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो मित्र, उसका उपाय तो मैं पहले से ही सोच के आया हूं। जब मार्ग से जाएंगे ना तो मेरे नटखट कृष्ण कन्हैया के उन्हें मनमोहक कथाएं सुनाऊंगा। फिर तुम देखना, उनकी जो ये उदासी है ना, वो छू मंतर हो जाएगी। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना, और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। उनके बारे में ना किसी से कुछ बात करना, ना कुछ पूछना और ना ही कुछ बोलना। मुझे वचन दो पुत्री, तुम ऐसा ही करोगी। कान्हा को लेकर तो सभी को उत्सुकता होती है, और माधवी भी उसके बारे में सुनना चाहेगी, और देखना मित्र, गोकुल में उससे भेंट करने के लिए भी तत्पर रहेगी। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं कन्हैया से दूर रहूंगी। उनकी ओर कभी देखोगी भी नहीं। ऐसी चिंता माँ की, इतना कठोर वचन ले लिया उन्होंने, इसका क्या कारण था गजानन? माधवी की माँ चाहती थी कि उनकी पुत्री द्वारा लौकिक यानी सांसारिक मर्यादाओं का कभी उल्लंघन ना हो, इसलिए उन्होंने माधवी से ऐसा कड़ा वचन लिया। किंतु जब लीलाधारी गोकुल में थे तब कुछ ना कुछ लीला तो होनी ही थी। मित्र सुंदर, भाभी की उदासी मिटाने के स्थान पर तुम खुद भी उदास होते हुए दिखाई दे रहे हो, बस आंसू निकलने की देर है। तेजी से आगे बढ़ते रहो, बिन मौसम की हवाएं चल रही हैं, तूफान आ सकता है। तेजी से नहीं बढ़ा जा रहा तो कोई बात नहीं, बड़े हैं तो यही कहेंगे कि सावधान रहो,
लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई भी तूफान नहीं आने वाला, और आएगा भी तो मेरा मित्र है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा, वो अपनी लीलाओं से हमारी रक्षा करेगा। अरे मैंने तो अपने मित्र का नाम ही नहीं बताया, कन्हैया। वैसे तो उसके बहुत सारे नाम हैं, कृष्ण, कन्हैया, गोपाला, नंदलाला, मुरलीधर। क्या हुआ, तुमने उसके बारे में नहीं सुना क्या? तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊँगा, उसकी लीलाओं की कथाएँ सुनाता चलूँगा, फिर देखना कि समय भी कैसे कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब किसी का कहा मत सुनो, बस मेरी सुनो। बचपन से ही मेरे कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मोर मुकुटधारी लीलाएं दिखाते आए हैं। सबसे पहले तो माखन चुराने वालों की टोली बनाई, मैं उससे बड़ा था फिर भी उसकी टोली का भाग बन गया। और जब भी हम कन्हैया के पीछे पीछे किसी घर में जाते थे, माखन की हांडी चुराने का कार्य भी मेरा ही होता था। माखन चुराते हुए जब कभी पकड़े जाने का डर होता था तो कन्हैया को तो पहले से ही पता चल जाता था। हम सभी तो भाग जाते थे, लेकिन कन्हैया सामने आ जाता था और उसे डांट खानी पड़ती थी। किंतु उसकी मधुर मुस्कान को देख उसे पकड़ने वाला भी उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाता था। और यदि कोई गृह स्वामिनी कन्हैया के कान खींचती थी ना, तो उसमें भी प्रेम छुपा रहता था। और बाद में वो उसके साथ दुलार करके और ढेर सारा माखन देकर उसे भेज देती थी। विश्वास नहीं होता ना कि ऐसा भी हो सकता है, किंतु हमारा कन्हैया तो है ही इतना अद्भुत। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना, और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मुझे वचन दो पुत्री, तुम ऐसा ही करोगी। ये तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, कन्हैया ने तो बड़ी बड़ी लीलाओं का भी परिचय दिया है। बचपन में ही बड़े बड़े असुरों को सबक सिखाया है, जैसे विशाल राक्षसी पूतना, भयंकर कालिया नाग। माँ ने तो कहा था कन्हैया की बात भी मत करना किसी से, किंतु अब मेरे ही पति बस कन्हैया की ही बातें करना चाहते हैं, उनके ही गुणगान करते जा रहे हैं वो। अब तुम ही बताओ, जिसने ऐसे भयंकर असुरों का सामना किया हो उसके लिए तो ये छोटी मोटी आंधी तूफान है। और वैसे भी कन्हैया के कारण तो हम गोकुलवासी इतने निडर हो गए हैं कि अब तो हमें किसी भी संकट से डर नहीं लगता। वो तो अचानक से हो गया था, इसलिए शक पका गया। लगता है बहुत तेज वर्षा होने वाली है। लगता है सारे बादल गोकुल पर ही मंडरा रहे हैं। आओ आओ पुत्र, आओ। भय मत करो, हम गोकुल की सीमा में हैं, और जब तक कन्हैया यहाँ है ना, हम सुरक्षित हैं। क्या आप पूरे समय कन्हैया की ही चर्चा करेंगे? यहाँ रुकने से अच्छा होगा हम शीघ्र अपने घर पहुँच जाएं, नहीं तो गोकुल के बाहर हम यहीं उलझे रह जाएंगे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कन्हैया को पता है उसका मित्र सुंदर अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहा है, वो तो किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएगा। पता है माधवी, तुम उसे मिलोगी ना तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी, और उसे देखते ही मोहित हो जाओगी। मैंने तो माँ को वचन दिया था कन्हैया की ओर देखूंगी भी नहीं, और ये तो चाहते हैं कि मैं उनसे मिल लूं। ये कैसी परीक्षा है प्रभु, अब मैं अपने पति की बात सुनूं या अपने वचन का मान रखूं? समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं, धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।